सो मैं अपने हर एक सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हेडर फाइल्स यूज़ करता हूँ। वो हेडर फाइल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में? तो देखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जो हेडर फाइल्स में है हमारे अलग अलग फंक्शंस ऑलरेडी लिखे गए हैं। बिना उन फंक्शंस के हम लोग आउटपुट या इनपुट प्रिंट नहीं करवा सकते, दे नहीं सकते अपने सी प्लस प्लस या सी प्रोग्राम्स को। जैसे देखिए, मैं अपने हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में iostream.h ये वाली हेडर फाइल यूज़ करता हूँ। तो जो भी उसमें थोड़े से भी कुछ फंक्शंस जो डिक्लेयर किए गए हैं वो ये सब है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले सी आउट यूज़ करते हैं आउटपुट पे, आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। तो वो क्या है, बेसिकली आपका रीड एंड राइट फंक्शन है। टू राइट इट ऑन आउटपुट हम लोग iostream.h हेडर फाइल यूज़ करते हैं। io मतलब इनपुट आउटपुट, stream.h तो आपका आउटपुट इनपुट देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही जैसे देखिए, राइट के लिए हम लोग सी आउट यूज़ करते हैं, वो एक राइट फंक्शन है, राइटिंग फंक्शन, सी आउट फंक्शन। तो वो भी आपका iostream.h में ही डिफाइंड होता है। एंड वैसे ही सी इन एक रीडिंग फंक्शन है, वो भी आपका iostream.h ये वाली हेडर फाइल में इंक्लूडेड है। वैसे ही आपका देखिए दूसरी हेडर फाइल है stdlib.h। std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड lib library.h। तो उसमें ऐसे कुछ फंक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं। वैसे ही आपका studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, ये हम हर सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। सी प्रोग्राम के लिए ये वाली हेडर फाइल बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही इस हेडर फाइल में कितने सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं सी प्रोग्राम में प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट, प्रिंट एफ फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, stdio.h इस वाली हेडर फाइल में इंक्लूडेड है। वैसे ही स्कैन एफ, कुछ भी हमें अगर इनपुट यूज़र से लेना है तो वैसे ही iomanip.h अभी हमने यूज़ नहीं किया अपने किसी भी प्रोग्राम में, जो यूज़ करेंगे उसमें ये सब फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये बस आपकी रेफरेंस के लिए मैंने डाला है, ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वाले स्क्रीनशॉट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अगर आपको कभी ज़रूरत है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर योर थॉट्स, कमेंट अगर कोई भी डाउट है तो।